नाउ फ्री बॉडी डायग्राम, अभी हमने जो कंडीशंस देखी उस कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से फोर्स ट्रांसफर होगा, या कह सकते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकाले जाएं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कंसेप्ट। आपको याद होगा फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ तभी बनाई जा सकती है जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, अदरवाइज फ्री बॉडी डायग्राम नॉट वैलिड। तभी बनाया जा सकता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब सपोज ये फोर बार मैकेनिज्म है, फोर बार कौन सा है, लिंक वन, टू लिंक, थ्री लिंक, फोर्थ लिंक, फोर बार मैकेनिज्म, जिसमें आप देख सकते हो कि एक फोर्स लगा है एफ। आपसे सपोज ये पूछा जाएगा कि अगर लिंक फोर पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो बताइए कि मैं लिंक टू पर कितना टॉर्क और किस डायरेक्शन में लगाऊं ताकि मैकेनिज्म स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो जाए। आप समझ सकते हैं कि अगर फोर्स लगेगा तो मैकेनिज्म मोशन करेगा, तो मैकेनिज्म मोशन करेगा तो उसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक टी टॉर्क लगाया गया ताकि वो मैकेनिज्म एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चला जाए। तो आपको ये बताना है कि कितना टॉर्क और किस डायरेक्शन में लगाना है। यहां सिंपल मैकेनिज्म है, आप ऐसे ही जज कर सकते हैं कि टॉर्क टी इस डायरेक्शन में लगेगा, अदरवाइज सिक्स और मोर देन सिक्स लिंक मैकेनिज्म में आपको पूरा एक्सरसाइज करने के बाद पता चलेगा कि टॉर्क टी आपको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं? देखिए लिंक टू, क्योंकि मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम में है तो हर एक लिंक भी इक्विलिब्रियम में होगा। अब लिंक टू पर कितने फोर्स लग रहे हैं? लिंक टू पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो लिंक वन की वजह से और एक लिंक थ्री की वजह से, और एक टॉर्क लगाया है आपने। तो लिंक टू पर टोटल जो हुआ उसे आप कह सकते हो कि दो फोर्स लग रहे होंगे और एक टॉर्क लग रहा होगा। वैसे ही लिंक थ्री पर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे होंगे, एक टू की वजह से और एक फोर की वजह से, जबकि लिंक फोर पर तीन फोर्स होंगे, एक लिंक वन की वजह से, एक लिंक थ्री की वजह से और एक एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अभी बात हुई थी अप्लाइड और कंस्ट्रेंट, ये है अप्लाइड फोर्स एफ, और जो मैं बाकी बता रहा हूं एक दूसरे में जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन है। क्या है वो? कंस्ट्रेंट फोर्स। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि लिंक टू पर दो फोर्स और एक टॉर्क है, लिंक थ्री पर दो फोर्स हैं और लिंक फोर पर तीन फोर्स हैं, और इनको कैसे सॉल्व करना है और इनकी कंडीशन क्या है वो हम अभी पहले ही देख चुके हैं। ऑलवेज स्टार्ट करते हैं वहां से जहां पर दो ही फोर्स लगे हों। दो फोर्स किस पे लगे हैं? लिंक थ्री पर। यहां हमने सबका बनाया हुआ है, एक काम करता हूं मैं आपको सबका एक एक करके बना के दिखाता हूं। ये तो पूरा बना हुआ है, हाँ। तो इस मैकेनिज्म का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने देखा कि लिंक टू पर, लिंक थ्री पर, लिंक फोर पर क्या क्या लग रहा था फोर्स और टॉर्क। स्टार्टिंग करने के लिए तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर। अभी देखा था कि लिंक टू पर क्या लग रहा था, दो फोर्स और एक टॉर्क लग रहा है, लिंक थ्री पर दो ही फोर्स लग रहे हैं और लिंक फोर पर तीन फोर्स लग रहे थे, जिसमें से एक की डायरेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स एफ की, करेक्ट है। पहले स्टार्टिंग वहां से करते हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये सब प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वहां से जहां पर दो ही फोर्स दे रखे हैं, तो दो फोर्स दे रखे हैं तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन इसी लिंक के अलोंग होनी चाहिए।
अब ये नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे कैसे जा रहा है, अभी नहीं पता, बट इतना कंफर्म है कि वो दोनों फोर्स इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग काम करेंगे और इस वाले फोर्स का हम नाम लेंगे, क्योंकि लिंक टू लगा रहा था थ्री पर और ये लगा रहा है लिंक फोर थ्री पर। अभी नहीं पता कौन किस डायरेक्शन में जा रहा, बट ये लाइन ऑफ एक्शन उनकी होगी। ठीक वैसे ही जब एफ फोर थ्री यहां लग रहा है तो सेम उसके पैरेलल यहां फोर्स लग रहा होगा जो होगा एफ थ्री फोर, इसके जस्ट अपोजिट होगा फोर थ्री, एक्शन रिएक्शन कंस्ट्रेंट फोर्स, क्योंकि इस लिंक पर तीन फोर्स लग रहे हैं तो ये जरूरी है कि ये तीनों लिंक के फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए एक ही पॉइंट से पास हों। तो जहां पर इसके डायरेक्शन हमें यहां से मिली, लाइन ऑफ एक्शन मिल गई, ये डायरेक्शन गिवन थी, दोनों जहां कट करेंगे तीसरा फोर्स भी वहीं से जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे जो लिंक वन लगा रहा होगा लिंक फोर पे, क्योंकि तीन फोर्स हैं तो जरूरी है तीनों क्या करें एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाए, एक क्लोज्ड पॉलीगन जैसे कि ये बन रहा है। एफ फोर्स एक डायरेक्शन हमें वहां से मिली थ्री फोर, एक डायरेक्शन हमें मिली वन फोर, क्योंकि साइकिल ऑर्डर है इसलिए जरूरी है कि एफ की डायरेक्शन गिवन है तो एक ही ऑर्डर में होने के लिए एफ थ्री फोर को इधर जाना होगा और एफ वन फोर को ऊपर जाना होगा, तभी ये क्लोज्ड पॉलीगन एक ही ऑर्डर में होगा, जिससे हमें ये पता चला इसकी डायरेक्शन से कि एफ थ्री फोर इधर और एफ वन फोर इधर जाना चाहिए, यहां से पता चला डायरेक्शन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन गिवन थी। तो एफ थ्री फोर वाली डायरेक्शन उसके बाद यहां दिखा दी, जब F34 इधर गई है और F14 आई है, ये बन गया, ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब F34 का अपोजिट लगेगा F43, F43 के अपोजिट इक्विलिब्रियम की वजह से लगेगा F23, F23 के इक्वल और अपोजिट लगेगा F32 और F32 के ही इक्वल और अपोजिट लगेगा F12, जो मिलकर क्या बना रहे होंगे कपल बना रहे होंगे जो इस टॉर्क टी के अपोजिट सेंस में होगा। आप देख सकते हो ये मिलकर किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जब ये इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए, इस डायरेक्शन में, यानी ये आई टॉर्क टी की डायरेक्शन, यानी ये जो टॉर्क टी है वो इतने डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगा होना चाहिए, अगर आपको मैकेनिज्म को इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्टैटिक इक्विलिब्रियम में टी टॉर्क द्वारा लाना है। तो ये अभी फ्री बॉडी वाली बात हुई, कैसे फाइंड करेंगे वो एक न्यूमेरिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है। फिलहाल आप इतना समझें कि फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने क्या किया, तीनों लिंक को अलग अलग फ्री बना लिया और उस पर लिख लिया कि किस पर कितने फोर्स और टॉर्क लग रहे हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट किया कि जहां दो फोर्स लग रहे थे उस दो फोर्स के अलोंग ही आपने लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए वो दोनों फोर्स की जो उस पर लग रहे हैं, और जब डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन मिल गई तो इसके अपोजिट F34 की लाइन ऑफ एक्शन होगी, जब ये लाइन ऑफ एक्शन और इसकी डायरेक्शन दे रखी है तो दोनों जहां कट कर रहे हैं जाहिर सी बात है तीसरा फोर्स भी वहीं से कट कर रहा होगा और इन तीनों को पैरेलली शिफ्ट करके एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाया। उस क्लोज्ड पॉलीगन से आपको डायरेक्शन, क्योंकि F की दे रखी थी तो डायरेक्शन ले ली किसकी, F34 और F14 की, ताकि एक सेम ऑर्डर चलता रहे। F34 और F14 की डायरेक्शन मिल गई, F34 की डायरेक्शन वापस FBD में शो कर दी, F34 के अपोजिट डायरेक्शन F43, F43 के अपोजिट डायरेक्शन 23, 23
टू थ्री के अपोजिट 3 2 और 3 2 के अपोजिट 1 2, ये कपल बना रहे हैं, इसीलिए 1 2 बराबर होना चाहिए F3 2 के, और F3 2 बराबर होना चाहिए 2 3 के, एक्शन रिएक्शन है, और 2 3 बराबर होना चाहिए 4 3 के, क्योंकि लिंक 3 पर दो ही फोर्स हैं, वो दोनों 0 ही होने चाहिए तभी इक्विलिब्रियम होगा, और F4 3 बराबर होना चाहिए F3 4 के, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। तो जो क्लोज्ड पॉलीगन बना था, उस क्लोज्ड पॉलीगन को हम मेजरमेंट से बनाएं अगर, तो F की वैल्यू वो होगी जो गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इधर से लाइन खींची जो F3 4 के पैरेलल हो, और इधर से लाइन खींची जो F1 4 के पैरेलल हो, जहां इंटरसेक्ट करेंगी ये क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा, जहां से डायरेक्शन ले ली और लेंथ को लाप लेंगे तो F3 4 की वैल्यू आ जाएगी। F3 4 की वैल्यू आ गई अगर आपके पास, तो आप इसका यूज करके F1 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टॉर्क टी कितना हो जाएगा, टॉर्क टी हो जाएगा F1 2 और इनके बीच का डिस्टेंस। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क टी आ जाएगा कि वैल्यू उसकी, और डायरेक्शन तो यहां से आपको पता चली गई कि क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरीके से आप ये पता कर पाएंगे कि कितना और किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाया जाए ताकि सिस्टम आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। होप समझ में आया होगा, 2 3 बार इसको सुनेंगे वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा।